नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसे जीएन भारत हमेशा एक खबरों को बहुत डीपली फॉलो करता है जब तो उसके तह तक पहुँचता है, जैसा हमने आपको दिखाया था और बताया था कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि जहाँ पे आप 8वीं पास होकर एजुकेशन मिनिस्टर तो बन सकते हैं, लेकिन 2 बार नीट पास करके आप प्रोफेसर ही बन सकते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है ये। हमने आपको बताया था, हमारे साथ राजेश जो है विकलांग, यहाँ दिव्यांग है, वो बैठे हुए हैं। उनको अभी तक हमने बताया था कि 1 लाख का ऐसा अफवाह उड़ रहा था कि आपके अकाउंट में 1 लाख भर दिया गया है, आप धरना क्यों दे रहे, इनको धरना नहीं दिए जा रहा था। साथ ही मीडिया की तरफ से फेक कॉल्स आ रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि आपको धरना तोड़ देना चाहिए। अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है, इनका कहना है कि हमें 1 लाख रुपये मिल चुका है। ये बहुत कहानी में ट्विस्ट और टर्न आ रहा है, जो यही बताएंगे खुद। तो आपने तो कहा था कि 1 लाख मतलब फर्जी कॉल आ रहे, अब आप कह रहे 1 लाख मिला या नहीं, मिला है या नहीं 1 लाख? देखिए, जिस समय मुझे बताया गया था उस समय मेरे अकाउंट में नहीं आया था। 1 सप्ताह पहले मुझे बताया गया था कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये आया है, लेकिन उस समय नहीं आया था। मैंने चेक किया था तो उसमें नहीं आया था, लेकिन बाद में 1 सप्ताह बाद में जब चेक किया, पुनः मुझे बोला गया कि आपके अकाउंट में आया है, फिर से आप चेक कीजिए, तो देखा कि सच में आया हुआ था। तो मैं पैसा की मांग को लेके धरना पर नहीं बैठा हूँ, पहले से भी मैं यही चीज़ बोलते आ रहा हूँ। और सभी लेटर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैं सिद्धू, सब आवेदन में एक ही चीज़ लिखा है कि मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पुनः पढ़ाने की अनुमति दिया जाए। मुझे मैं 1 वर्ष से वहाँ पढ़ाया और मुझे हटा दिया गया। मैं ये चीज़ बताने के लिए हटाया क्यों गया था, हटाने का कारण जब मैं महामहिम से भेंट किया तो वे लोग नाराज़ हो गए कि आपने महामहिम से शिकायत क्यों किया, और इसलिए मुझे हटाया गया था। तो मैं 1 वर्ष तक से अधिक समय तक वहाँ सेवा दिया, उसके बाद मुझे हटा दिया गया और मुझे पैसा भी नहीं दिया गया था। इस चीज़ का मैं जिक्र किया हूँ आवेदन में, लेकिन मेरा मांग है कि मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। इसी मांग को लेकर मैं उस समय बैठा था और 3 बार मैं यूनिवर्सिटी में भी बैठा। आप राज्यपाल से पर्सनली इस बारे में मिले हैं पैसा मिलने के बाद? नहीं, मुझे भेंट नहीं करने दिया जा रहा है। मैं बहुत कोशिश भी किया कि मुझे भेंट करने दिया जाए, मैं आवेदन भी लिखा हूँ महामहिम को। इसके मीडिया की तरफ से अब कॉल आ रहा है डराने वाला? देखिए, मीडिया की ओर से कॉल उस समय उनको भी शायद मालूम नहीं होगा, इसलिए मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे उनको। वे राजभवन फ़ोन करते थे और बात होती थी, तो पैसा प्रोसेस में था, उस समय मिला नहीं था। तो उनका भी दोष नहीं है, और उनका जो कॉल था बाद में सही भी साबित हुआ। तो प्रोसेस में था, पैसा उस समय मिला नहीं था, लेकिन प्रोसेस चल रहा था भेजने का। तो इसी आधार पर उन्होंने बताए थे मुझे कि आपका पैसा आ गया है। तो इस तरह का कोई खबर बाद में ये सही साबित हुआ। तो मेरा जो मांग है, ऐसा तो नहीं आप भी डर गए मीडिया और लोगों के धमकी से? नहीं, मैं डरा नहीं, और मैं मुझे बहुत बार धरना समाप्त करने के लिए कहा गया, लेकिन मेरा मांग जब तक पूरा नहीं हो जाता मैं कैसे धरना समाप्त करूँगा। मैं धरना समाप्त करके क्या करूँगा, मुझे तो पैसे तो मिल गया ना। मैं पैसा के मांग को लेके बैठा ही नहीं था, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मैं मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। जितना भी लेटर मैंने, देखिए ये 8वां स्मरण पत्र है, सारे स्मरण पत्र में मैंने एक ही चीज़ लिखा कि मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। देखिए, ये 8वां स्मरण पत्र है, ये 7वां स्मरण पत्र है, ये 6ठा स्मरण पत्र है, ये 3रा स्मरण पत्र है। क्या जवाब मिला? अभी तक कुछ इस संबंध में कुछ बात नहीं हो पाया है। मैं सब लेटर में एक ही चीज़ लिखा हूँ, देख सकते हैं आप, सब में एक ही चीज़ लिखा। समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक उसपे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, उस चीज़ पर मैंने कुछ नहीं हो पाया है। जब तक मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया जाता है तब तक नहीं तोड़ूंगा। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इनको 1 लाख रुपए इनको मिल गए हैं और ये बात सच निकली है, अब कुछ मीडिया वालों ने इनकी धमकी देने की कोशिश की, कहा कि यहाँ से आप उठ जाइए, धरना मत दीजिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मीडिया वाले ही ऐसा करेंगे तो फिर सच्चाई कहाँ से निकल के सामने आएगी। जैसा अब ये कह रहे कि थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, मीडिया वाले को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये भी एक सवाल है कि जब पुख्ता जानकारी नहीं है तो किसी जो धरना दे रहा है उसे फ़ोन करके परेशान करने का क्या मतलब, क्योंकि मीडिया खबर तभी चलाती है जब पूरी तरीके से वो 100% एश्योर होती है। इसके साथ ही अभी इनको पढ़ाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 2 बार नेट क्वालिफाइड है। अगर वो इस तरह रोड में बैठ कर धरना देंगे तो बाकी युवाओं का मनोबल का क्या होगा, वो तो टूटेगा ही मनोबल। वैसे भी आजकल के युवा, जैसा आप देख सकते हैं रांची हिंसा में, अच्छे खासे युवा सब जेल की सलाखों के हवालात का हवा खा रहे हैं।
युवा का क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि युवा के भविष्य के लिए सोचे, साथ ही यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ऐसे दिव्यांगों की बहाली करे जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, और साथ ही जो युवा आज पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके लिए भी एक नई दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करे जिससे हमारा देश सबका साथ सबका विकास का जो सपना है वो पूरा हो पाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।